गाइस नए ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं क्रेजी लड़का, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सेकंड हैंड बाइक और कार्स का आप सारा ब्लॉग बनाए। आज आ गया हूँ यहाँ पर बंटी भाई के पास, बंटी भाई ऑटोमोबाइल्स अलीगढ़ में इनका शॉप होने वाला है। तो यहाँ पर आज मैं सेकंड हैंड कार्स से रिलेटेड एंड बाइक से रिलेटेड लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारी कार्स अवेलेबल है, ये देखिए आप स्विफ्ट कार यहाँ अवेलेबल है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वैगनआर अवेलेबल है। ये स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास अभी कुछ नया स्टॉक जुड़ चुका है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वैगनआर है, 2016 मॉडल है और VXI है। माइलेज क्या है भाई इसकी? ये नॉर्मली वैगनआर 17-18 करती है। 17-18 का करती है। क्या प्राइस होने वाला है इसका? इसका ये मान लीजिए नियर अबाउट 3.25 लाख रुपए। 3.25 लाख रुपए इसका प्राइस होने वाला है। जैसे कि आप अंदर से देखिए भाई, दिखा रहे हैं, मतलब देखिए बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आपको मिलने वाली है। ये कितना चली हुई लगभग आप बता रहे? ये 35,000 चलिएगा। ये सेकंड गाड़ी स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट है आपकी 2016 डीजल वेरिएंट है। 4.5 लाख रुपए इसका प्राइस रखा है हमने। हाँ। तो भैया EMI वगैरह पर भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? HDFC बैंक से है हमारा। अच्छा, टाई अप है, वो इजीली 80% लोन हो जाता है। अच्छा, छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट, शॉप पे आके आपको सारा कुछ। और देन इसके बाद देखिए आप सेकंड स्विफ्ट है जो, ये 15 मॉडल है, VDI है। अच्छा, ये भी इसका 4.25 लाख रुपए प्राइस रखा है हमने। और इसका मतलब ये कितना चली हुई है लगभग? ये 55,000 किलोमीटर चली, 55,000 मात्र चली हुई है। परफेक्ट वे में कंडीशन होगी, आप देखिए ये वाली, सारा कुछ एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। तो बंटी भाई के नाम से यहाँ पर इनकी शॉप है, आप देख रहे होंगे। आइए स्विफ्ट और दिखा देता हूँ। स्विफ्ट और भी है भैया के पास, देखिए ये 2012 का मॉडल है, इसके हमने कुल 2.5 लाख रुपए कोट किया है। ये डीजल है, VDI का डीजल, VDI दो। कितना प्राइस है BS का? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए मॉडल नंबर क्या है? 2012। ये भी फ्रेश कंडीशन में आपको देखने को मिली है। भैया कितनी चली हुई है? 90,000। नंबर कहाँ से है? नंबर दिल्ली नंबर है, अलीगढ़ लोकल ट्रांसफर है। अच्छा, लोकल ट्रांसफर। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं कि मतलब कि ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ? हाँ आती है, क्यों नहीं आती, बाहर अदर स्टेट का लेते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, स्टेट का फर्क पड़ता है और लोकल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगली गाड़ी देखते हैं भैया, ब्रेजा दिखाने वाले अगली गाड़ी। ये मॉडल कौन सा भाई आपका? ये 2018 है। 2018 ब्रेजा का। ब्रेजा का, ब्रेजा में भी अलग अलग आती होंगी जैसे। ये मिडिल मॉडल है, VDI ये। अच्छा, VDI का मिडिल मॉडल है। आइए आप अंदर से इसकी कंडीशन हम देखेंगे फ्रेश कंडीशन में एक बार। भैया कितना चला हुआ है इसका? 48,000 इसका चला हुआ है। इसका मॉडल नंबर जो आप कौन सा बताया था? 2018 VDI। और ये नंबर कहाँ का? यूपी का ही है। हाँ, अलीगढ़ ट्रांसफर है। अलीगढ़ ट्रांसफर है, अलीगढ़ ट्रांसफर। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है? अलीगढ़ नहीं, नहीं, तो अलीगढ़ लोकल ट्रांसफर है। इसमें तो बाद नंबर अलीगढ़ ट्रांसफर। आइए आगे एक और कलर दिखा देते हैं आपको। हाँ, देखिए ये आगे का, ये देखिए भाई इसका मॉडल नंबर क्या है? इसका भी ये सेम है, सेम है, 17 है। इसका क्या प्राइस होने वाला है? इसका मिल जाएगा 660 के आसपास। 660 के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, कोई आता है आपके पास तो कंसेशन वगैरह भी होता है उस टाइम पर? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अगर शॉप पर अगर आप आते हैं, वीडियो देख के अगर आप आते हैं तो फुल कंसेशन के साथ यहाँ पर आपको गाड़ी मिलने वाली है। इसका भी प्राइस सेम था? इसका क्या प्राइस था? नहीं नहीं, इसके 7 लाख 80। अच्छा, इसका 7 लाख 80 हज़ार, इसका अलग अलग है, दोनों का प्राइस अलग अलग है। अच्छा, ये 2018 का मॉडल है, वो 2017 का है। तो गाइस काफी सारे मॉडल जैसे कि आपने यहाँ पर देखे होंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्विफ्ट का मॉडल यहाँ पर देखा, वैगनआर का यहाँ पर मॉडल देखा था। ऐसे बहुत सारे जो मॉडल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 2018, 2016 या फिर 2019 के सारे मॉडल्स हैं, फ्रेश कंडीशन में यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको अगर कोई भी कार खरीदने का मन है तो आप सीधा सा बंटी भाई ऑटोमोबाइल्स के नाम से इनका शॉप होने वाला है। तो शॉप होने वाला है अलीम बिल्डिंग, मसूदाबाद GT रोड, अलीगढ़ पर होने वाला है। डिस्प्ले पर जो आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं भाई से कैसे कैसे क्या क्या प्राइसिंग है। शॉप पर आने के बाद कंसेशन भी। और अभी मुझे पता लगा है कि अभी जो मैंने आपको जैसे कि कार्स दिखाई है यहाँ पर, नया स्टॉक आफ्टर 3 डेज आने वाला है। तो नया ब्लॉग फिर आपके लिए आएगा यहाँ पर कार से रिलेटेड एंड बाइक से रिलेटेड। तो अगला ब्लॉग यहाँ पर मैं बाइक से रिलेटेड बनाऊंगा आपके लिए, जो कि कल आएगा। आज के ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं।
I give